गई सारी ये नौकरी कैसा हाल हो गया, बिक गई सारी ये नौकरी कैसा हाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। देख रहे हैं ना विनोद, बिहार में एक सोनू आता है और बिहार सरकार को तेरा तमाचा लगाता है और एक शब्द में बता देता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है। लेकिन अढ़ाई साल गुजर गया जब एनडीए की सरकार थी, फिर भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। आज हम पहुंच चुके हैं सरजनी का आंदोलन है और एक टीचर का अभ्यर्थी है और इन्हीं से चंद लम्हों में हम जानेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसा है, अपना दर्द बताएंगे। जी, मेरा नाम बिट्टू सर है, मैं गया के धरती से आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकार की मंशा जो साफ नहीं थी, बिल्कुल बदल रही थी, खुद बदल गई है इस बार और नई हमारी शिक्षा मंत्री आए हैं, तो इनके ये बहुत हमारे सहानुभूति के प्रतीक है, क्योंकि ये हम लोग को सहानुभूति देकर के पिछले बार गए हैं। तो मुझे आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि ये जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देने का आग्रह करेंगे। लेकिन हमारे पलटू चाचा और जिलेबी वाला चाचे बहुत जो है हम लोग के समस्या बन गए थे, ये गोल गोल घुमा रहे थे, तारीख पे तारीख बदल रहे थे। इसके बारे में हम कुछ गाने के माध्यम से कहेंगे। बिक गई सारी ये नौकरी कैसा हाल हो गया, बिक गई सारी ये नौकरी कैसा हाल हो गया, कोई करके घोटाला माला माल हो गया। और हम लोग को टीचर बनने के लिए बहुत लोगों की आंखों पे चश्मे लग गए, चश्मे आंखों पे लग गए कैसा हाल हो गया, विज्ञप्ति अब तक ना निकला कई साल हो गया। और ये विज्ञप्ति अभी तक नहीं निकला कई साल हो गया है, और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी बदल चुके हैं, और अब कितने शिक्षा मंत्री बदलेंगे ये तो कुछ पता नहीं। लेकिन आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो शिक्षा मंत्री हमारे बने हैं ये हमारे बहुत ही सहानुभूति के पात्र हैं और ये विज्ञप्ति दे करके ही यहाँ से जाएंगे। जब उनके सत्ता की बारी आया तो 24 घंटे का कदम बनते हैं। आखिर इस बीच में फंसता कौन है? आम जनता, आम छात्र, बेरोजगार युवा छात्र, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे बिहार की जो राजनीति है ये बहुत ही समस्या बनी हुई है हमारे राज्य में, क्योंकि जब सत्ता की बात होती है, राजनीति की बात होती है, तो ये एक चंद पलों में एक घंटे में बदल जाती है। लेकिन अगर नौकरी की बात होती है तो कहा जाता है कि 2021 में नौकरी मिलेगी और यह नौकरी धीरे धीरे करते करते 2025 तक चली जाती है। जैसा कि जानते हैं, तीन साल से इसकी मांग कर रहे हैं सातवें चरण की नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं। सरकार बदलने के लिए मांग 2 घंटे काफी है। इस प्रकार से हमारे राजनीतिक में बिहार में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। नीति आयोग का रिपोर्ट किसके द्वारा आता है? जी, नीतिन के द्वारा आता है। जी बिल्कुल। केंद्र में किसका सरकार है? केंद्र में हमारे अभी ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। अच्छा, बिहार में रहे सर किससे सरकार रहा? तो बिहार में जो हमारे एनडीए की सरकार रहा, बीजेपी हिस्सा रहा, आखिर गोल गोल घुमाते रहे। जब जानते हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ, तो उनके तब शर्म नहीं है कि हम इस्तीफा दे दें? क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहीं न कहीं जो हमारा मंशा थी बिल्कुल साफ नहीं थी, वो शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाए हुए थे। अगर चाहते तो शिक्षा मंत्री जुलाई से पहले ही नोटिफिकेशन दे देते जो उनकी वादा थी, जैसा कि आप बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जुलाई से पहले नोटिफिकेशन देने की बात थी। लेकिन मुख्यमंत्री का ये बिल्कुल विचार नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि सत्ता बदलने वाली है और इस चीजों को आगे जा करके घिसना है, आगे तरफ से लेकर के जाना है। सत्ता तो बदलता रहेगा, लेकिन इस बीच में आम जनता और बेरोजगार युवा फंसते रहेंगे। चलिए, नया गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बना है, आशा है कि तेजस्वी सरकार कुछ करेंगे। और सीटेट अभ्यर्थी भी आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो रहा है, देखने वाली बात होती है आखिर सीटेट अभ्यर्थी किया जाता है कि नहीं किया जाता है। पंडाल से इधर उधर गए हैं, मैं आग्रह निवेदन करता हूँ।